बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से। मूसानगर थाना क्षेत्र में अवैध कारोबारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद एक और कारनामा आया सामने। कानपुर देहात पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता। उड़ीसा से हरियाणा सप्लाई के लिए 9 क्विंटल 12 किलो गांजे को किया जब्त। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गांजे की 2 करोड़ की है कीमत। ट्रक को कब्जे में लेते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मूसानगर कोतवाली दीपक सिंह के द्वारा चेकिंग के दौरान गांजा किया था बरामद। अपराधियों पर लगातार एक्शन के मोड में बने रहने वाले दीपक सिंह को क्षेत्रीय लोगों ने चुलबुल पांडे और सिंघम का दिया दर्जा। आज थानाध्यक्ष मूसानगर और उनकी टीम ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक गांजा पकड़ा है। इसमें टोटल जो क्वांटिटी पकड़ी गई है वह 9 क्विंटल 52 किलो है, यानी कुल 952 किलो गांजा पकड़ा है इन्होंने, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ से अधिक की है। और इस ट्रक के साथ 2 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है जो ये माल लेके जा रहे थे। उनसे पूछताछ की गई है। जो प्रारंभिक सूचना मिली है उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि ये उड़ीसा से सामान ले जा रहे थे और ये हरियाणा में इनको सप्लाई करना था, और इसी बीच में इन्हें पकड़ लिया गया है। इनके पास से 2 मोबाइल, कुछ कैश और ATM, अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनसे अभी और पूछताछ जारी है। अभी अन्य और तथ्य का पता लगाया जा रहा है कि किसको सप्लाई किया जा रहा था, और विवेचना में ये भी पता लगाया जाएगा कि इस सामान का कहां पर जो है इनकी खपत किस तरह से होती है, और जो भी तथ्य आगे आएंगे फिर आप लोगों को बताया जाएगा। ये पता लग पाया कि कब से काम कर रहे थे, कई बार यहाँ से लेकर गिरे? अभी इनका जो पूछताछ में ये इन्होंने बताया है कि इससे पहले भी वो 2-3 बार ले गए हैं, और विवेचना में भी और तथ्य पता चलेगा। पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है।